ये क्या पकड़ा हुआ है? अब्दुल्ला म्याऊं कैसे बोलती है? म्याऊं कैसे बोलती? और कुआ कैसे बोलता है? और चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया कैसे बोलती है? चूं चूं। और बब्बर शेर कैसे बोलता है? और मेमे कैसे बोलती है? कैसे बोलती? ये रिमोट पीछे कर। और गाय कैसे बोलती है? और दुल्ला कैसे बोलता है? अब्दुल्ला तो मम्मी की जान है। अम्मा की जान हो? मम्मी की नहीं हो? और किसकी जान हो? और मम्मी। थैंक यू। दुल्ला तो बहुत प्यारा सा बेबी है। इधर देखो। बाय। चलो बोलो बाय। केला हाफिज। ये तो निकालो रिमोट मुंह से। रिमोट निकालो। आगे होके बैठो। चलो अब मेरे से सलाम तो ले लो कि अस्सलाम वालेकुम मम्मी। चलो अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो भांजी की थोड़ी सी वीडियो शेयर की है। माशाल्लाह इतना क्यूट है और इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी वीडियो बनाने लगो तो वो चुप हो जाता है, जैसे बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है ना। तो इसी तरह वैसे इतनी बातें करता है और मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़े से ना ये जो मूवमेंट है ना कैप्चर कर लेती हूँ, जब वो बड़ा होगा तो उसको दिखाया करूँगी कि इतनी प्यारी प्यारी इतनी क्यूट क्यूट सी आप बातें करते थे जब छोटे होते थे। तो ये थोड़ी सी उसने वीडियो मैंने बनाई, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी वो आवाज़ें वगैरह इतनी अच्छी अच्छी निकालता है ना, लगता नहीं है जैसे बोलते हैं ना बर्ड्स गाय की बाकी हर चीज़ की वैसे निकालता है। तो यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड की जो शेरवानी थी मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी मैं इसको ना फोल्ड करके रखने लगी तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये जो क्लिप थोड़ा सा बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है गोल्डन कलर की ली थी और मैंने मुझे ना इतनी ज़्यादा काम वाली पसंद भी नहीं है और वैसे भी कोई और कलर में भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैंने कहा था कि गोल्डन कलर में लेनी है और बस काम भी हल्का सा हो, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी और यहाँ पे बस खुशा दिखा रही थी। और यहाँ पे पता क्या हुआ सीन? अच्छा मैं ना बेड के नीचे पड़ा हुआ तो मैंने कहा चलो इसको उठा के ना फोल्ड करके रख देती हूँ, साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये बेड के नीचे पड़ा हुआ है। तो मैं उठाने लगी तो मेरी ना अचानक नज़र ना इधर पड़ी तो ये ना गिफ्ट गिरा हुआ था और मुझे तो इतनी सच में खुशी हुई ना, मैं तो खुशी से पागल होने, मैंने कहा हाय एक गिफ्ट इधर ना गिरा हुआ था, शोकेस के ऊपर रखे हुए थे कुछ गिफ्ट वगैरह तो ये नीचे गिरा हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये निकल आए, लेकिन ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था। इधर से मैंने कोशिश की, मैंने कहा ये पीछे से ना थोड़ी सी स्पेस है तो उस वजह से ना ये नीचे गिर गया था। तो फिर मैं ना काफ़ी देर कोशिश वगैरह करती रही लेकिन मुझसे नहीं निकला। तो फिर मेरे हस्बैंड आए तो उसने निकाल के दिया। तो इसमें क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं इतनी एक्साइटमेंट तो हो रही थी लेकिन इसमें से निकला क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये शाम का टाइम था तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे बर्गर और साथ में जूस। बर्गर तो मैंने खा लिया था, ये कुछ दिन पहले का क्लिप है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बाकी मैं आप लोगों किसके बाद गिफ्ट दिखाती हूँ, बाकी जो आज की रूटीन होगी वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला गिफ्ट मैंने ओपन कर लिया था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पता नहीं क्या होगा, जल्दी से बस ये ना निकल आए किसी तरह और मैं इसको खोलूँ। और जब इसको मैंने खोला तो इसमें एक झूला निकला था जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने फिर इसी को ना वैसे वो निकाल के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसी तरह का है। फिर मैंने इसी को ना इसी तरह पैक करके रख दिया था, मैंने कहा चलो किसी और को गिफ्ट दे देंगे। तो अभी मैंने इसको निकाल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वैसे है तो प्यारा। मैं सोच रही थी मैंने कहा गिफ्ट जिसने भी दिए ना कोई इस तरह की चीज़ें देते जो मेरे काम आ जाती, सब ने वो दे दिए। कप ज़्यादा हो गए थे, इसके अलावा एक दो और गिफ्ट थे, बाकी ज़्यादा कप ही थे। तो ये इस तरह का गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा है। वैसे तो डॉट्स लगी हुई हैं तो इसको मैं देखती हूँ, अगर कहीं एडजस्ट हुआ तो एडजस्ट कर दूँगी, अदरवाइज फिर इसको इसी तरह रख दूँगी। तो वही मैं एक सोच रही थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने भी है ना मुझे पैसे ही दे दिए थे, तो वही गिफ्ट होते हैं तो यादगार रहते हैं, लेकिन पैसे तो वो लग जाते हैं ना, गिफ्ट होते तो मतलब हमेशा उनको संभाल के रखता है कि ये मेरी फ्रेंड ने दिया तो यादगार रहते हैं। तो यही मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये वाला झूला इसमें से निकला है। तो जी यहाँ पे अभी मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी पकौड़े, थोड़े से खाने के लिए बनाऊंगी। यहाँ पे ये जो मटेरियल है इसको भी मैंने मिक्स करके रख लिया है और बाकी का सालन बनाऊंगी, मसाला भी मैंने बना के रख लिया। बस ये पहले पकौड़े बना लेते हैं उसके बाद भी हम लोग बनाते हैं। क्या बोल रही हो किंजा? क्या कह रही हो? क्या कह रही थी पहले? और यहाँ पे ये अब्दुल्ला खड़ा, क्या कर रहे हो अब्दुल्ला? जीजी खा रहे हो? आप क्या खा रही हो? कैसे चिड़ियल बनी हुई हो? हाँ बस इतने बनाने।
ठीक है। ज्यादा क्यों बनाने हैं? आपको तो मिलने ही नहीं, आपने आज बहुत तंग की है। अच्छा कोड़े खाना इधर आराम से बैठ जा। अच्छा आपने कोड़े खा ले। अच्छा तो फिर तंग ना ना करो, उधर आराम से बैठे, जब बन जाएंगे फिर मैं ले आऊंगी सारे बना के। मैं तो देख रही हूँ। क्या देख रही है? मैंने बाबा से फोन करना है। बाबा से फोन करना है? तो बाबा अभी बिजी हैं, रात को कराऊंगी बात। बाबा अभी शॉप पे होंगे ना, रात को जब आएंगे ना फिर मैं आपकी वीडियो कॉल करा दूंगी, ठीक है? हाँ अभी शॉप पे हैं वो, देखो मामू भी आ गए। तो बस यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, ये थोड़े से मैंने बना लिए। अच्छा मैं यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ पकौड़ों का सालन, क्योंकि ना मोस्टली वहाँ पे मेरी अम्मी जी बनाती होती थी, तो होप्स अच्छा बन जाए। बाकी जब बस यहाँ पे पकौड़े निकलते फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। कितना मज़े का था, हाँ जी। टेस्ट किया आपने? हाँ जी। अच्छा क्या नमक सही है? हाँ, मिर्चे भी सही हैं? बिल्कुल सही हैं। मामू को पसंद आ जाएंगे? मामू कर लिखो। हाँ मामू को पसंद आ जाएंगे? आगे तो सही है ना, आए तो ना फिर मामू फैंटी लगाएंगे किंजा ने सही नहीं बनाए। मामी ने नहीं सही ने। मैंने तो सही बनाए हैं, मैंने कहा ना किंजा ने बनाए थे, किंजा पंगे ले रही थी फिर खराब हो गए हैं। ना लगे फिर मैं कहूंगी किंजा ने बनाए थे। नहीं मैं कहूंगी मामी किंजा ने बनाए। अच्छा क्या झूठ नहीं बोल रही? तो मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? आपके जो किंजा ने बनाए हैं। तो किंजा ने नहीं बनाए? नहीं। किसने बनाए हैं? आपने। मैंने बनाए हैं? वो तो मैं वैसे मजाक कर रही थी, झूठ तो नहीं बोल रही थी। हाय गाइस की बच्ची, यहाँ पे ना पकौड़े सारे मैंने बना लिए हैं, लाइट बहुत कम है इस वजह से इतने मज़े के आप लोगों को लग नहीं रहे होंगे। और ये लैदा से मैंने बनाए हैं, और यहाँ पे बस प्याज ही ब्राउन हो गया, अब इसका जल्दी से शोरबा बना के फिर हम लोग पकौड़े इसमें डाल देंगे। क्या बोल रही हो आप? हाय गाइस की बच्ची, हाय गाइस, मैं ऐसे टाइम की बैठी हुई हूँ, इतना लंबा चौड़ा इनका भी काम बन जाता है ना, और अभी तक ये बने नहीं है, तकरीबन मगरब की जाने हो चुके हैं और मेरी नमाज भी रह गई है। पहले आग ही नहीं जल रही थी, फिर लैदा से खाने के लिए बनाने थे और पकौड़ों के लिए बनाने थे, यहाँ पे अभी मैंने रिंग लाइट नहीं लगाई, इस वजह से आप लोगों को ना सही से नज़र नहीं आ रहा। क्या कौन सा पानी लेके आओ जल्दी इसमें डालें, फिर लेके आओ ना जल्दी से, नमाज भी मैंने पढ़नी है, लप पकड़ाओ ध्यान से। चलो बस रखाओ। ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये मार्च की फर्स्ट बारिश हुई थी 2-3 को, तब का क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से ना ये भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरा भांजा सोया हुआ था तो इसको मैंने उठा दिया, मैंने कहा इतना अच्छा मौसम है चलो हम लोग ना गपशप करते हैं, बड़े अच्छा लगता है ना बच्चों से बातें करके, इतनी क्यूट क्यूट इतनी प्यारी प्यारी से बातें करते। अच्छा मैंने इसको उठा दिया, ये जल्दी में सोया हुआ था, उसके बाद ये शरारतें करने लग गया, कभी भीग रहा है कभी कुछ कर रहा है, थोड़ी सी तब ठंडी थी तो भी मेरे कज़न को भी था, कहती बीमार ना हो जाए, और बार बार उधर ही जा रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ ना थोड़ा सा क्लिप बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आज का आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप लोगों ने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।